आपको उज्जैन नगरी की कुछ खास खबरों की और जी हाँ, जहां पर पुलिस प्रशासन को मिली है बड़ी सफलता, 4 किलो अवैध सोना ले जाते दो आरोपियों को किया है पुलिस ने गिरफ्तार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंच रहे हैं और महाकाल लोक का करेंगे लोकार्पण, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला, क्राइम ब्रांच किंग आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा और उनकी टीम लगातार शहर में घूमती हुई नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए बैठी है। आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा को मुखबिर की सूचना मिली कि बाहर से दो व्यक्ति अवैध गतिविधि करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 किलो अवैध सोने के साथ में दो आरोपियों को धर दबोचाया और उनसे आगे की जाँच पड़ताल पूछताछ जारी है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का समय हो रहा है, तो पुलिस द्वारा निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी चेकिंग अभियान के तहत जो भी अवैध गतिविधियां हैं, कोई भी अवैध कार चीज़ें, उसके द्वारा पुलिस की उस पर निरंतर नज़रें बनाए हुए हैं। उसी के तहत आज एक कार्रवाई हुई है, जिसमें हमको सूचना थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो अवैध सोने का लेन देन करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो उस सूचना के तौर पर जब हमको वेरीफाई किया, तो हमें उनके पास से लगभग 4 किलो के आसपास सोना हमने सीज़ किया है और उनसे जब मौके पर इनके दस्तावेज मांगे गए तो ये देने में सक्षम नहीं थे, तो इसीलिए हमने उसको धारा 102 के तहत सीज कर लिया है और आईटी को हमने लिख दिया है जो इसकी फर्दर जांच करेगी। सर, इसमें कितने लोग हैं इन्वॉल्व, क्या सामने आया है? दो लोग अभी इसके अंदर इन्वॉल्व है जो इस तरीके का व्यापार करते हैं, तो अभी हमने उन दोनों को हिरासत में लिया है, अभी पूछताछ भी कर रहे हैं।